हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि आज हम एक बहुत छोटा सा प्यारा सा एक एक्वेरियम बनाने वाले हैं। और आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा कि वो एक्वेरियम में कौन से फिश डालने वाले हैं और कितने साइज़ की वो एक्वेरियम है। और हम उस एक्वेरियम को बहुत ही कम प्राइस में बनाने वाले हैं, वो भी हमारे घर में पड़ी हुई चीज़ों की मदद से। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हम पहुँच चुके हैं अपने स्टोर रूम, और हमारे पास यहाँ कुछ ग्लासेस रखे हुए हैं जिसका कोई काम नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसका एक्वेरियम बनाया जाए बेटा फिश के लिए। तो इतने सारे ग्लासेस से तो एक छोटा एक्वेरियम बन ही सकता है। तो हम पहले इसे मेजर करने वाले हैं, उसके बाद इसे नहीं, सबसे पहले हम इसे वॉश करेंगे, उसके बाद हम मेज़र करेंगे, उसके बाद हम इसे शॉप ले जाएंगे कटिंग के लिए, उसके बाद हम स्टिक करवाएंगे इसे। तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो होने वाला है, तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। तो हमने गाड़ी में रख लिया है अपना सारा ग्लास, और अब हम चलेंगे इसे कटवाने। और आप देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है, जेसीपी की खुदाई हो रही है, तो इस वजह से आवाज़ थोड़ी ख़राब आ रही होगी। तो हम चलते हैं। तो हम शॉप आ चुके हैं, और हमारा कांच अब कटने वाला है। ये हमारा ग्लास, और अब कटने वाला है हमारा ग्लास। तो हमारा ग्लास कट चुका है, और हम जा रहे हैं एक्वेरियम शॉप। तो आप देख सकते हैं हमारा बेटा फिश टैंक आ चुका है रेडी होके। मैंने इसे स्टिक होने के लिए दिया था, तो अब ये स्टिक हो गया, लेकिन अभी सूखा नहीं है, तो हम इसमें वाटर भी ऐड नहीं कर सकते। और हम इसमें एक गलती हो गई मुझसे, कि मैंने चारों ग्लास को, पाँचों ग्लास को एक ही साइज़ का कटा दिया था। तो इसमें आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से प्रॉपरली नहीं है। तो मुझे इसमें क्या करना था, दो साइड को छोटा करवाना था इसके थिकनेस जितना, तो उससे वो बराबर होता चारों तरफ से। लेकिन ये गलती हो गई मुझसे, तो आप ये गलती ना करें। और देख सकते हैं ये टैंक कितना छोटा सा प्यारा सा है, और इसकी डायमेंशन है 8 इंचेस है, 8x8x8। तो ये बहुत छोटा सा है, और ये बेटा फिश टैंक के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हम इसमें वाटर फिल कल करेंगे, और डेकोरेशन ही कल करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए आप, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।